उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई व्हेन ए इज इक्वल टू 1, 0, -1। अब इसको हम निकाल नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, तो सबसे पहले आप देखें नेगेटिव का साइन निकालने साथ, नेगेटिव का साइन निकालेंगे ए के साथ, फिर इक्वल लिखेंगे, इक्वल के बाद नेगेटिव का साइन, फिर नेगेटिव के साइन के बाद आगे ए की वैल्यू लगाएंगे, ए कितना हमारे पास 1, 0, -1। ठीक है, अब इस नेगेटिव को साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हर एक के साथ। अब 1 को मल्टीप्लाई करो, अब 1 के साथ कौन सा है पॉजिटिव प्लस, तो यहाँ प्लस एक माइनस प्लस माइनस, और 0 जो है ना ये न्यूट्रल होता है, 0 न्यूट्रल होता है, तो इसके साथ कुछ भी दिखा दें 0 वैसे आएगा, माइनस 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 प्लस, तो प्लस लिखा लेता। इस तरह नेगेटिव और मैट्रिक्स मालूम कर सकते हैं। ये था पार्ट नंबर 1। अब डी पार्ट की बात करते हैं। डी हमारे पास डी के बने -3, -2, -4, -5। अब मालूम क्या करेंगे हम नेगेटिव और मैट्रिक्स, तो डी के साथ माइनस लिखा लें इस तरह, फिर इक्वल लिखेंगे, इक्वल के बाद माइनस का साइन, माइनस के बाद आगे डी, तो डी की वैल्यू है -3, -2, -4, -5। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें हर एक के साथ, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिखा जाता। अब 2 के साथ कोई साइन नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो प्लस लिखा जाता, यहाँ प्लस है माइनस प्लस माइनस। बाकी पार्ट आप खुद कर लेंगे, बाकी 3 पार्ट सी डी एंड ई ये आप खुद करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसपोज मालूम करेंगे। ट्रांसपोज मैं ए पार्ट को ले रहा हूँ, ए में लिखा हुआ है 0, 1, -2। अब ट्रांसपोज कर लें, ट्रांसपोज का मतलब है जो कॉलम में होगा उसको हम रो में कन्वर्ट करेंगे, अगर रो के अंदर हो तो उसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, इसी को ट्रांसपोज कहते हैं। तो मैं इसको ट्रांसपोज करता हूँ, देखें ए लिखेंगे ऊपर छोटा सा टी, टी का मतलब ट्रांसपोज। अब ये कॉलम के अंदर है, इसको रो में कन्वर्ट कर दें, इसी को ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, देखिए रो को मैंने कन्वर्ट किसी कॉलम के अंदर, कॉलम को कन्वर्ट करके इसे रो के अंदर, ये ट्रांसपोज है। बी पार्ट देखिए इसका, ये ट्रांसपोज है इसका, बी पार्ट 5, 1, -6। अब इसको ट्रांसपोज कर लेंगे, ट्रांसपोज बी लिखेंगे ऊपर छोटा सा टी। अब ये रो के अंदर है, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, जो रो में होगा उसको कॉलम में कर दें, इसी को ट्रांसपोज कहते हैं। तो रो को कॉलम में करेंगे 5, 1 उसके नीचे, -6 उसके नीचे। ठीक हो गया, सी पार्ट देते हैं, सी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 2, -1, 0। अब इसको हम करेंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कैसे करते हैं, सी लिखे ऊपर छोटा टी लिखा दें, ट्रांसपोज का मतलब है जो कॉलम में उसको रो में कर दें। तो ये पहले फर्स्ट कॉलम को मैं फर्स्ट रो बना रहा हूँ, देखें फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो 1, 2 उसके ऊपर, 3 उसके ऊपर। अब सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दें 2, -1, 0, इसी को कहते हैं ट्रांसपोज। तो इस तरह बाकी पार्ट आप खुद कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 0, 1, बी इज इक्वल टू 1, 1, 2, 0, देन अगर ए ट्रांसपोज को ट्रांसपोज करो तो आंसर ए आएगा, ये हमने प्रूफ कर लिया। तो सबसे पहले ए देखेंगे बुक के अंदर से, ए कितना गिवन है बुक के अंदर 1, 2, 1, 0। अब क्वेश्चन में कह रहे वेरीफाई करें, तस्दीक करें, ए का ट्रांसपोज दें, फिर ट्रांसपोज दें, दोबारा ए आएगा, कैसे देखें, ये बुक से देखेंगे इस तरह, इसको ट्रांसपोज करें, ए को ट्रांसपोज करें, पहले ट्रांस पता है ना आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दें, ठीक है, फिर सेकंड सेकंड कॉलम को सेकंड रो कर दें,
फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो। अब अगर इसको फिर ट्रांसपोज कर, देखिए ए के ऊपर ट्रांसपोज, फिर ट्रांसपोज आ रहा है, तो उसको हम दोबारा ट्रांसपोज करेंगे। देखिए ए ट्रांसपोज, देखिए दोबारा ऊपर ट्रांसपोज, मतलब दोबारा ट्रांसपोज करेंगे इसको। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो कर दें, सेकंड कॉलम को सेकंड रो कर दें, तो देखिए दोबारा ए इक्वल आ गया ना, तो देखिए इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो हम देख सकते हैं हेंस ए ट्रांसपोज इज ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये आंसर आ गया। इस तरह 1.2 सेट्स बाकी पार्ट खुद करेंगे। जी क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जी पेपर में आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन नंबर 6। तो बाकी पार्ट जो मैं करवा चुका हूँ, इनके अलावा बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।